रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाएंड है या कची मिश्री जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में कोई भले तमा रिश्तो.com में मेंबरशिप वर्ती हुजे या न रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लास नगर बीजेपी की तरफ से पिछले दिनों नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी पर हुए हमले के विरोध में सैकड़ों की संख्या में पुलिस उपायुक्त के कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। आपको बता दें, पिछले दिनों नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी पर उल्लास नगर मनपा के बाहर 10 से 12 शिवसैनिकों की तरफ से हमला किया गया था। इस हमले के चलते पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने शिवसैनिकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ न्यायालय ने शिवसैनिकों को जमानत पर रिहा कर दिया। न्यायालय से जमानत मिलने के बाद हमला करने वाले शिवसैनिकों का शिवसेना के नेताओं की तरफ से सत्कार किया गया। अब इस बात का विरोध करते हुए बीजेपी रास्ते पर उतरकर पुलिस उपायुक्त कार्यालय तक सैकड़ों की संख्या में मोर्चा निकालकर प्रदीप रामचंदानी को पुलिस सुरक्षा दी जाए और हमला करने वाले शिवसैनिकों को तरीपार करने, ऐसे अलग अलग मांगों को लेकर यह मोर्चा निकाला गया है। पर इस मोर्चे में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। मोर्चे में सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ो, कार्यकर्ताओं ने मास्क तक मुंह पर नहीं लगाया था। वहीं भाजपा आमदार कुमार एलानी से पूछे जाने पर बताया कि हमने कोरोना नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। सर, विधायक करके आप यहाँ पे शामिल हुए हो इस मोर्चा में, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा भीड़ जमानी नहीं है। विरोधी पक्ष नेता जो है देवेंद्र फडणवीस साहब है, वो भी बोल रहे हैं कि भीड़ नहीं जमानी है, लेकिन आज जो तादाद देखी जाए तो 100 से आगे है। कोरोना नियमों का पूरी तरह उल्लंघन किया है। कोई भी कोरोना नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। आप जो बोलते हैं 100 से ज्यादा भीड़ है, देखिए हम लोग कितने जन है, 8 जने गिन चुन के है, उसमें 4 महिला है, 4 पुरुष है। गेट के बाहर कितने लोग? गेट के बाहर पब्लिक आ जाती है, देखिए उनको मालूम रहता है ये इश्यू है, उसकी वजह से पब्लिक जमा हो जाती है। और भारतीय जनता भी पहन लेती है आपका स्टार, देखिए कार्यकर्ता लोग खुद जमा हो जाते हैं तो उसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते। कार्यकर्ता को जो पीड़ा है मन में वो आके जमा हो गई है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। हम लोग कोरोना का पालन कर रहे हैं और जो निवेदन देना था निवेदन दिया। आम्ही आज इकडे महिला मोर्चातर्फे आणि सर्व जिल्ह्यातर्फे भाजपाच्या DCP साहेबांना पत्रक दिलेलं आहे, तो याच्या संदर्भात आहे की गेल्याच आठवड्यामध्ये प्रदीप रामचंदनी साहेब जे आमचे नगरसेवक आहेत त्यांच्यावरती अतिशय क्रूरपणे असा 10 ते 12 लोकांनी हल्ला केला, त्यांच्यावरती शाही पुतल्या गेलेली आहे आणि त्याच्या विरोधात जेव्हा त्यांची आम्ही त्यांना अटकही केलं, त्याच्यानंतर अटक केल्यानंतर ते बाहेर आल्यानंतर त्यांच्या जे सेनेचे प्रमुख आहेत त्यांनी त्यांचा हार तोरण वगैरे घालून भरपूर असं त्यांचं जंगी स्वागत केलं, जसं की ते किती मोठी जंग म्हणजे लढून बाहेर आलेले आहेत, तर असा चुकीचा मेसेज जात आहे आणि सोशल मीडियावरती ते समोरचे पक्षधारी जे आहेत ते सतत बाईट करतात की आम्ही पुन्हा प्रदीप रामचंदनी साहेबांना त्यांच्यावरती पुन्हा हल्ला करणार। तर आमचं असं मत आहे की जे सोशल मीडियावरती जे वातावरण चाललेलं आहे ते अतिशय भाजपासाठी कुठेतरी चुकीचं किंवा निगेटिव्ह पडत आहे, तर आम्ही त्याच्यासाठी आज त्यांना पत्रक साहेब DCP साहेबांना दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आमचं अशी मागणी आहे की प्रदीप रामचंदनी साहेबांना एक तर पोलीस प्रोटेक्शन मिळावं ते पुन्हा हल्ला होऊ नये म्हणून, आणि जर तसं नसेल होत तर तुम्ही त्या गुन्हेगारांना तडीपार करण्यात यावं शहरामधून। हीच आमची महिला मोर्चातर्फे मागणी आहे। उल्लास लाईन बुलेटिन को सबस्क्राईब करे, बेल आयकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाईन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाईल पर।